वेलकम टू फायर शॉक। एंड आज हमारा लास्ट डे वर्कशॉप का। अभी तक हमको एक काफी एक अच्छा आइडिया मिल चुका है कि बग बाउंड्री होती क्या है और क्या बग्स होते हैं, कैसे आप अपना इसमें करियर सेट कर सकते हो, क्या आपके एक्सपेक्टेशन होने चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, राइट? तो एक काफी अंडरस्टैंडिंग हमने ले लिया, काफी थ्योरी देख लिया, राइट? एंड आई थिंक काफी लोग जो होंगे थोड़ा रेस्टलेस हो रहे होंगे कि कुछ ऐसे टूल्स देखने को या कुछ प्रैक्टिकल देखने को, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखने को। तो आज का सेशन जो हमारा वो लाइव वैसे ही होने वाले कि हम टूल्स देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और लाइव देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को कुछ बग्स या ऐसी चीजें दिख सकती हैं। अब हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट में एनरोल नहीं किया है, तो हमारा जो भी डिस्कशन या जो भी टूल्स देखने वाले हैं हम लोग, सारा जनरलाइज होने वाला है कि मान लो हम लोग गूगल पे कोई चीज सर्च करेंगे या कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी देखेंगे। और जैसे हमारा जो जूस शॉप था, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको कुछ चीजें उसी में दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे कैसे अपना बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट? तो अगेन, ये कोई प्रोग्राम से एसोसिएटेड नहीं है कि हम लोग कहीं जाके साइन अप किया और वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो चीज तो एक अलग ही अप्रोच हो जाता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि पहली बात आपको जो है नए नए बग्स ढूंढने हैं, पुराने लोगों ने ढूंढ रखे हैं। नए ढूंढने का ऐसे थोड़ा है कि मैं अभी आपको लाइव दिखा दूं कुछ, मतलब हाँ ऐसी चीजें हो सकती है मिराकुलसली, बट मेरे चांसेस कम है। तो अभी हम लोग खाली जनरलाइज टूल्स वगैरह देखेंगे, हम लोग क्या चीज यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कभी भी जाते हैं कुछ चीज सर्च करने के लिए, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? गूगल पे। तो हमारा जो पहला टूल वही गूगल ही होने वाला है। जो हम लोग पहला स्टेप करने वाले, रिकॉन्सेंस करने वाले हैं थोड़ी सी, अगर हम लोग किसी भी जो हमारा टारगेट है, जिसका हम लोग जो है वो करना चाहते हैं, बग बाउंड्री ले रहे हैं या जिसको हम लोग वल्नरेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो हम लोग पहले सबसे पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जितनी गैदर कर सकें वो अच्छा, कि उसमें क्या क्या उसके आईपी एड्रेसेस हैं, क्या उसके डीएनएस इन्फॉर्मेशन है, क्या उसकी कंपनी के बारे में पता चले, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आगे हो सकता है काम आ जाए। कहीं पे कोई ईमेल एड्रेस काम आ जाए, कहीं पे कोई फोन नंबर काम आ जाए, जो भी हम लोग को देखना है, राइट? तो हमारा पहला स्टेप जो होता है जनरली, और ये आप हैकिंग भी करते हो कहीं पे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, वहां पे हमारा पहला स्टेप रिकॉनिसेंस का होता है। तो विद दैट रिकॉनिसेंस हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जैसे मैंने हम लोग बोला कि हम लोग गूगल यूज करते हैं, तो फुटप्रिंटिंग यूजिंग गूगल डॉक्स। हमारे गूगल डॉक्स क्या है कि जैसे हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, पहले मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग वापस यहाँ पे वापस आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं गूगल हमारा। तो गूगल बाबा खुल गए हैं और नहीं, मेरे को साइन इन नहीं करना है यहाँ पे। अब अगर मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है, मान लो मैं कोई हैकिंग के ऊपर, मैं खाली एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि गूगल डॉकिंग होती क्या है। हैकिंग के ऊपर मुझे कोई पीडीएफ सर्च करनी हैकिंग पीडीएफ, तो यहाँ पे मेरे को कई सारे लिंक्स मिल रहे हैं कि ये पीडीएफ ड्राइव है। एक ही आप देख रहे हो ना, यहाँ पे साइड में पूरा यूआरएल लिखा है, उसके लास्ट में एक पीडीएफ ऐड किया हुआ है, बता रहे कि सीधा एक पीडीएफ ही मिल रही है मेरे को। तो पहली वाले तो एक लिंक हो गई जो कि आपको कहीं और लेके जाएगी, रीडायरेक्ट करेगी, ये भी कोई रीडायरेक्ट करने वाली लिंक है, और ये फिर से एक पीडीएफ आ गया। तो मेरे को खाली पीडीएफ ही देखना है, मेरे को रिजल्ट में खाली ये सभी मतलब फालतू के लिंक्स नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे एक डॉट जो हम लोग कहते हैं जिसको फाइल टाइप वाला, एक फिल्टर ऐड कर दूंगा फाइल टाइप, और उसमें मैं डाल देता हूँ पीडीएफ। तो आप जब देखोगे सारे रिजल्ट्स में यहाँ पे जो साइड में पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ, ये फॉर वट एवर रीजन मेरे ख्याल से पीडीएफ नहीं है, बट ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, पीडीएफ है, सारे रिजल्ट्स हम लोग को पीडीएफ आ रहे हैं। फाइन, दिस इज गुड। ये एक टाइप से आपने खुद एक लैडर डाउन कर दिया है कि अच्छा मैं खाली पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ। बट इसका फायदा क्या? फायदा इसका ये कि अगर हम चाहें कि यार हम लोगों को सिर्फ एक पर्टिकुलर वेबसाइट से चाहिए, मान लो मैं डॉक्स इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, मेरे को चाहिए कि इन यूआरएल, यूआरएल जो हमारे ये जो ऊपर ये हमारे टाइटल है, ओवरव्यू ऑफ हैकिंग। यूआरएल क्या है? www. ये iosjournal.org जो भी है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, लेट्स से ईसी काउंसिल। तो मेरे को यूआरएल सारे ईसी काउंसिल के देख रहे हैं, ईसी काउंसिल, ईसी काउंसिल, ईसी काउंसिल, सारे रिजल्ट इसी से आ रहे हैं। क्या मिल रहा है हम लोग को? सारे पीडीएफ मिल रहे हैं और हैकिंग वगैरह के ऊपर जो भी हमारा जो हमने सर्च किया है, तो हैकर हैकर हर जगह दिखाई देगा। तो हमने काफी नैरो डाउन कर दिया हम लोगों को, हमने पीडीएफ ढूंढ रहे हैं किस जगह से। अब बोलोगे यार इससे हम लोग को क्या फायदा? वेल, इससे हम लोग को फायदा ये कि पहले बात तो मैं आपको खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि गूगल डॉकिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं। इसका लिमिट क्या है? लिमिट तो आप जानो, बट अगर मैं इसमें कुछ और चीज एक्सपैंड करना चाहूँ, जैसे कि मान लो मैं हैकिंग ना करके एक चीज और ऐड कर दूँ, इन टाइटल मुझे चाहिए एडमिन, कि जो टाइटल है उसमें एडमिन आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार मैंने सर्च किया तो कोई रिजल्ट्स नहीं आया। यूआरएल इसी कौन से लो, फाइल टाइप पीडीएफ, इसको हटा देते हैं क्योंकि फाइल टाइप हम लोग को नहीं चाहिए यहाँ पर पीडीएफ। इसको हम लोग थोड़ी देर में अभी ऐड करेंगे। एक और चीज, तो ईसी काउंसिल इसके इसमें तो आ रहा है, बट जो हम लोग को चाहिए था वो नहीं आ रहा। लेट्स से इन यूआरएल, इन टाइटल,
अगेन तो ये भी थोड़ा और नैरो डाउन हो गया, ये रिजल्ट और कम हो गया। बट हम लोग जो करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कहूँ इन टाइटल हम लोग को चाहिए एडमिन, ठीक है, तो उसमें क्या क्या मिलता है हम लोग को जितनी भी। अच्छा, इसको मैं, इसने मुझे फ्लैग कर दिया है कि इसको लग रहा है मैं रोबोट हूँ, क्योंकि मेरे जो सर्च रिजल्ट आ रहे हैं वो मतलब जो मैं सर्च क्वेरी सर्च कर रहा हूँ वो काफी रोबोटिक से हो रहा है एक के बाद एक वैसे, तो इसलिए मेरे को उसने टेस्ट दे दिया है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो इट इज नेचुरल, इसलिए हम लोग वीपीएन वगैरह यूज करते हैं कि कहीं हम लोग को कोई ब्लॉक ना कर दे। तो यहाँ पे सारे जो हमारे टाइटल्स हैं सब में एडमिन लिखा आएगा कहीं पे भी, एडमिन एडमिन। और इसमें हम लोग जो है कुछ और चीजें ऐड कर दें, इन टाइटल या इन यूआरएल, इन यूआरएल और कोई पर्टिकुलर वेबसाइट जो हम लोग सर्च करना चाहते हैं, जिसको हम लोग जो है चाहे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ। तो फॉर जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया, यूआरएल में दिल्ली आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ ज्यादा ही वेराइटी वाले वो मिल रहे हैं। कोई पर्टिकुलर वेबसाइट जो हम लोग सर्च कर सकते हैं इन यूआरएल, लेट्स से चलो माइक्रोसॉफ्ट ले लेता, microsoft.com। तो सारे microsoft.com के वेबसाइट्स आएंगे और इसमें एडमिन एडमिन होगा, राइट। तो आप बोलोगे कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो एडमिन वाले पे। इससे ये फर्क पड़ रहा है कि अगर कोई ऐसे पेजेस होंगे, हम लोग को बेसिकली जब बग बाउंटी कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ बग्स ढूंढ रहे हैं ना, तो हो सकता है हमको कोई ऐसा पेज मिल जाए जो कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा, या कोई बैकएंड वाला पेज हो जहाँ पे चीजें स्टोर होती हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अपना जो टारगेट है उसको नैरो डाउन करके कि यार यूआरएल में वही होना चाहिए, टाइटल हम लोग बेसिकली स्पेसिफिक चीजें ढूंढ रहे हैं उसमें। यहाँ पे आप जो है ब्रूट फोर्स कर सकते हो कि इन टाइटल जो है एडमिन हटा के कुछ स्लैश एडमिन स्लैश इंडेक्स ऐसी चीजें करता रहे। अब मैं इसको जो इन टाइटल को मान लो कर देता हूँ इंडेक्स, और इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ ही रहने देता, इसमें क्या आता है, तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंडेक्स ऑफ ये, इंडेक्स ऑफ ये सारी चीजें लोगों देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे। तो कोई सी वगैरह खोल के देखते हैं, तो अगेन ये कोई बैकएंड वाली चीज है जो आपको वेबसाइट पे नहीं मिलती, ये आपको यहाँ पे मिल गई है। क्या चीजें इसमें हम लोग जाके देख सकते हैं, क्या चीजें, मैं एक के अंदर खाली लिस्ट देखता जा रहा हूँ क्या चीज मिल रही है हम लोग को, प्रोडक्ट डॉट लिस्ट। अच्छा, कोई डाउनलोडेबल फाइल है, राइट। बट आप देख रहे हो कि हम लोग थोड़ा बैकएंड पे पहुंच गए। अब ये वल्नरेबिलिटी है, ये बग है या नहीं है, वो तो बात की बात है, मैं भी आपको खाली बता रहा हूँ कि हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे जो, अब अगेन मैं इसलिए क्योंकि मैं जनरलाइज कर रहा था ना, ये हम लोग एक्सप्लोर करते करते कोई बैकएंड वाली पेज पे पहुंच गए थे जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ही कोई इंडेक्स खुला हुआ है। इंडेक्स जनरली जो है सारी फाइल वगैरह यहाँ पे स्टोर होती है ना बैकएंड में, वो होता है उसको, तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ भी मिल जाती है हमको कहीं पे। कई बार यहाँ से ऐसे ही इंडेक्सेस में आधार निकल आता है, और जैसे मैं यहाँ पे microsoft.com हटा देता हूँ क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, मैं आपको क्योंकि जनरल कर रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ आधार कर देते हैं। तो इंडेक्स ऑफ आधार कर दिया, तो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट कहेंगे, बट बेसिकली चलो यहाँ पे कोई सा भी ये खोल के देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसके इंडेक्स में यहाँ पे कुछ आधार की फाइल्स लग रहे हैं मेरे को, कुछ लॉग फाइल्स हैं, कुछ SLI, इसमें से कोई फोटो वोटो होती है तो मैं आपको खोल के दिखाता। चलो ये देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये किसी का आधार, ये किसी का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं, हम लोग को नहीं मिलनी चाहिए, बट इस adbazaar.com जो भी वेबसाइट है तो यहाँ पे हम लोग को दिख रही चीज़ें। तो आप अगर चाहो तो, अगर ये रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ये आपका बग हो गया, राइट। ये चीज़ें किसी को नहीं दिखनी चाहिए, किसी का भी आधार कार्ड आप ऐसे डिटेल्स नहीं निकालने चाहिए। तो ये अगेन एक बग है जो हम लोगों ने बाई बाई चांस निकाल लिया। तो ये पहली चीज़ हो गई जो गूगल डॉकिंग हम लोग कर सकते हैं। तो गूगल लॉकिंग में आप लिंक कर सकते हो कि यार वेब लिस्ट वेब पेजेस दैट हैव लिंक्स टू द स्पेसिफाइड वेब पेज रिलेटेड, कि वो उस वेब पेज से रिलेटेड हो, उसमें खाली अपना जो है एल्गोरिथम यूज करेगा कि क्या चीज़ से मिलती जुलती है। इन्फो साइट ऑल इन टाइटल, मतलब आप इनको जो, अगर आपको चाहे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आपको एक और वेबसाइट बताने वाला उसके बाद, जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाती है। ऑल हमने इन टाइटल यूज किया है, ऑल इन यूआरएल का क्या है कि खाली जो हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं सिर्फ वही यूआरएल में होना चाहिए और कुछ क्यों नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अभी क्या हो रहा था, माइक्रोसॉफ्ट डॉट हमने अगर लिखा मान लो माइक्रोसॉफ्ट, तो कुछ और वेब पेजेस भी हम लोग को देख रहे थे जिसमें कि xyz.com/something-something माइक्रोसॉफ्ट, कोई आर्टिकल होगा या कोई जो है सब डोमेन उन्होंने बना रखा होगा। तो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते कि ऑल इन यूआरएल, खाली जो हमने स्पेसिफाई किया सिर्फ वही हमारे यूआरएल में होना चाहिए, राइट। मूविंग ऑन, तो ये कुछ ऐसे डॉट्स हैं साइट ec-council.org, हमने ऐसा करके देख लिया, इन टाइटल करके देख लिया, इन यूआरएल करके देख लिया। अच्छा, ये वाले डॉट भी होता है इन यूआरएल एडमिन, राइट, कि यूआरएल में ये वाला एडमिन आना चाहिए ऐसे, या इन टाइटल पासवर्ड आना चाहिए,
या फिर डेटाबेस यूजर नेम फाइल टाइप ईएनवी। अभी ईएनवी जो हमारी एक जैसे एक्सेल शीट्स वगैरह होती है उस टाइप के अंदर ईएनवी की फाइल्स होती है डीबी। आपको पूरा डेटाबेस मिल जाएगा यूजर नेम का, डेटाबेस मिल जाएगा पासवर्ड्स का। तो अगर मैं इसको पूरा कॉपी करूँ, कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस सी, और लेट्स गो यहाँ पे सर्च करके देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को ऐसा। तो कुछ ईएनवी फाइल्स मिल जाएंगे जिसमें कि कुछ यू आपके पासवर्ड वगैरह मिल जाएंगे। तो कोई एक चीज खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ सेशन डेटाबेस तो मिल रहा है, यूजर नेम है उसका, पासवर्ड है टॉप सीक्रेट 123। आई थिंक ये बाइट उन्होंने जानबूझ के ऐसा बना रखा है क्योंकि टॉप सीक्रेट 123 किसी का पासवर्ड नहीं होता। बट नेवर्थलेस ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आप जो इसमें नैरो डाउन कर सकते हो कि खाली मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कोई डेटाबेस के पासवर्ड चाहिए, फाइल टाइप्स का ये होना चाहिए जो भी, राइट। तो ये हुआ हमारा गूगल डॉकिंग। इसमें और भी चीज़ें अगर आपको ट्राई करनी हो, ये कुछ और डॉक्स हैं, फाइल टाइप लॉग यूआरएल जो भी है, मतलब इन सब में आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल के आ सकती है जो हम लोग, और हम लोग को बेसिकली करना है क्या है, जो भी हमारे जिस टारगेट को हम लोग सर्च कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बग्स ढूंढ रहे हैं, वहां पे नैरो डाउन करना। तो बाकी प्ले ग्राउंड आपने आपको जैसे करना करो। एक वेबसाइट है गूगल हैकिंग डेटाबेस, उसको हम लोग जो ओपन कर लेते हैं यहाँ पे गूगल हैकिंग डेटाबेस। तो इसमें जो रिसेंट हमारे ऐसे डॉक्स वगैरह चलते हैं ना अलग अलग जगह पे, वो यहाँ पे मिल जाते हैं कि लोग ऑथर कुछ हैं जो पोस्ट करते रहते हैं, या आप ये डॉक के सर्च आप सर्च क्वेरी में डालने वाले हो, और फाइल कंटेनिंग जूसी इन्फॉर्मेशन, क्या ऑथर है इसका, आप जो है डॉक खोल के देख सकते हो किस बारे में क्या मिल रहा है। खाली इसको सीधा कॉपी पेस्ट करना तो कर सकते हो। एक गूगल डॉक है, इन टेक्स्ट टाइम टेक्स्ट जो भी है, इसको सर्च करोगे आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, राइट। तो गूगल हैकिंग डेटाबेस में आपको ऐसी चीजें बहुत सारी मिल जाती हैं जो लोग पोस्ट करते रहते, तो आप भी इनमें से कोई ऑथर बन सकते हो सकता है आपको इसमें कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिले। तो ये हुआ हमारा गूगल डॉकिंग। अब ये हमारे गूगल से हो गए चीजें, अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग को फिलहाल ऑनलाइन टूल्स ही यूज करने हैं तो ये एमएक्स टूल बॉक्स है, राइट। इसमें हम लोग को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर डोमेन के बारे में सर्च करना चाहता हूँ, लेट्स से लेट्स यूज माइक्रोसॉफ्ट ओनली जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, तो इस डोमेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी वो हम लोग को आगे काम आ सकती है कि इसमें यार डीएनएस क्या है या आईपी एड्रेस क्या है। ओके, तो मैंने शायद यहाँ पर microsoft.com डाल देता, राइट। तो इनका हम लोग को होस्ट नेम मिल गया है, ये आउटलुक वाला सर्वर का कुछ है, इसका आईपी एड्रेस जो है आउटलुक का ही अगेन ये, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इसके बारे में। चलो इसको नहीं छोड़, इसको देख नहीं देखते हम लोग, देखते हैं डीएनएस लुकअप पे। अब डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, यानी कि जब हम लोग ये ऊपर डाल रहे हैं mxtoolbox.com, तो असली में तो ये पीछे आईपी एड्रेस है बैकएंड पे इसके, क्योंकि मशीन को मतलब मशीन को थोड़ा समझ में आता है कि एमएक्स टूल बॉक्स क्या है, उनको आईपी एड्रेस समझ में आता है जो नंबर में होता है। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, जब आप ये कोई भी इसी क्वेरी डालते हो, मान लो मैंने एमएक्स टूल बॉक्स डाला, तो वो उस डीएनएस सर्वर पे जाएगा इस क्वेरी को लेके, क्योंकि डीएनएस सर्वर ऑलरेडी कन्फिगर्ड होगा आपके नेटवर्क में, आपके जो वाईफाई या जिस चीज जिसमें नेटवर्क आप कनेक्टेड हो, जब आप सबसे पहले उसमें एंटर करते हो ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है, आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि डीएनएस सर्वर कहाँ पे है। तो आप जो भी ऐसी क्वेरी डालोगे वो सारी जो है रिडायरेक्ट की जाएगी डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर वहाँ पे चेक करके बताएगा कि अच्छा एमएक्स टूल बॉक्स इसका आईपी एड्रेस ये रहा xyz.xyz.xyz, ऐसे करके आपको आईपी एड्रेस मिलता है। अब इस हम लोग को क्या फायदा है, अगर आपको इसके डीएनएस सर्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, हो सकता है कि वो वल्नरेबल हो सकता है कि उसका जो एक्सेस आपको मिल जाए कहीं से, तो डोमेन नेम सर्वर इसलिए काफी अच्छा रहता है। और इनफैक्ट इसमें रिवर्स डीएनएस भी होता है, इसी टूल में भी यहाँ पे होता है। अगर मैं मान लो यहाँ पे डोमेन नेम सर्च कर रहा हूँ microsoft.com, ये हमारा हो गया, सर्च करता है इसको डीएनएस लुकअप के लिए कि इसका डीएनएस सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है, यानी कि अगर microsoft.com आप लिखते हो तो इसका डोमेन नेम कहाँ पे है, तो इसके आईपी एड्रेस देख रहे हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जगह पे इसके सर्वर्स होंगे जो कि इसको रिजॉल्व करते होंगे। डीएनएस प्रोवाइडर अजोर, अजोर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है, राइट। और क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग, इसमें और कर सकते हैं दु 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 दु। इसमें एक हुईज भी होता है बट मेरे को फिलहाल दिख नहीं रहा है, बट डजेंट मैटर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना मैनुअली भी सब चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो अब थोड़ा मैनुअल पे आ जाता है, जिसमें हम लोग ना थोड़ा हार्डवेयर वाला काम करेंगे, हार्डवेयर मतलब असली मशीन से। तो ये मैं अपनी काली लिनक्स ऑन कर रहा हूँ। काली लिनक्स जनरली हम लोग हमारी हैकिंग और पेन टेस्टिंग और ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि काफ़ी सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड होता है,
और पैलेट लिनक्स अगर आप चाहो तो उसमें स्विच कर सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट बराबर से ही हैं। पर्सनल प्रेफरेंस की बात आती है, पैलेट लिनक्स जो है उसमें थोड़े टूल्स ज़्यादा हैं और लाइट वेट भी है, बट मेरे को पर्सनली उसका काली लिनक्स का जो यूजर इंटरफेस है मुझे बेटर लगता है, तो इसलिए मैं काली प्रेफर करता हूँ। बट अगर आपको पैलेट पसंद है आप पैलेट पे करो। सो काली लिनक्स ओपन हो गया हमारे यहाँ पे, और बेसिक से शुरू करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले हम लोग करेंगे एन मैप। तो एन मैप क्या होता है, नेटवर्क मैपिंग होती है। जो भी आप नेटवर्क को स्कैन करना चाहते हो उसके मैप कर लो कि उसमें कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या कितने उसके आईपी एड्रेसेस हैं, क्या उनपे सर्विस रन हो रही है। तो सबसे पहले इसका हाइफन एच लगा के, एन मैप हाइफन एच, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा होगा शायद आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी देखने में। तो इसमें लोग का एक हेल्प सेक्शन मिल जाता है कि क्या क्या आप इसमें सर्च कर सकते हो। तो एन मैप हमारा नेटवर्क मैपर है, इसमें आप होस्ट नेम डाल सकते हो, आईपी एड्रेस डाल सकते हो, पूरे पूरे नेटवर्क डाल सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल स्कैन मी डॉट एन मैप डॉट ओ आर जी microsoft.com/24। अब ये तो आपका एक वेबसाइट होगी जिसको आप सर्च कर रहे हो, ये microsoft.com/24 ये एक पूरा नेटवर्क हो गया। /24 के आने से 24 का क्या मतलब है, जैसे ये आपका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, तो /24 का मतलब है कि 192.168.0 ये तो सेम रहने वाला, डॉट वन जो है ना इसको आप 0 से लेके 255 856 जितना भी उनके आईपी एड्रेसेस होंगे उन सब में सारे हिट एंड ट्राई करके स्कैन करके देखो कि कौन कौन से इसमें डिवाइसेस हैं या क्या क्या एड्रेसेस हमें अवेलेबल है, क्या क्या स्टेटस जिनके आप हैं। तो /24 का मतलब ये होता है कि पूरा रेंज आपने स्पेसिफाई कर दिया, 24 बिट्स की बात हो रही है, राइट। तो मैं इतना डीप डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि नेटवर्किंग बिट्स वगैरह क्या होती है, कैसे इनका नंबरिंग चलती है, बट इतना होता है कि पूरा आपने रेंज स्पेसिफाई कर दिया। ये आपका एक सिंगल आईपी एड्रेस है और ये आपका एक रेंज हो गया अगेन, कि आपने वन ये 10.0.0 और इसको जो लास्ट डिजिट जो थी आपकी, और मतलब इसमें आप 255.1 और इसको लास्ट 254, तो मतलब आपने पूरे एक रेंज स्पेसिफाई कर दिया अगेन। तो इसमें हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, अब जैसे हम लोग एन मैप करें, लेट्स से हम लोग क्योंकि सेम एग्जांपल को चलने देते हैं, microsoft.com, और खाली अगर इसी को ऐसे करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या सर्विसेज रन हो रही हैं इस आईपी एड्रेस पे और इसका क्या लैग टाइम है, क्या वो सब है, काफ़ी जल्दी वन का इनफैक्ट ये वाला स्कैन। तो इसके एड्रेस हम लोग को दिखाई दिया कि अच्छा ये microsoft.com इस आईपी एड्रेस से लोकेटेड है, तो ये सब भी हमारे फुटप्रिंटिंग में आ जाता है कि उसका आईपी एड्रेस वगैरह पता करना। अल्टीमेटली जब अटैक करोगे आपको आईपी एड्रेस चाहिए होंगे ना कि कहाँ पे आपको अटैक करना है, आपने जो भी करना है। इसके कुछ और आईपी एड्रेस भी हैं जो उसने दिखाया है जो कि इसमें इसने स्कैन नहीं किया, और इस वेबसाइट पे दो ही पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट 80 और पोर्ट 443। 80 जो हमारा HTTP के लिए होता है, 443 हमारे HTTPS के लिए होता है, राइट। वेल इनफ, तो एक स्कैन और कर लेते हैं फिर हम लोग एन मैप से आगे बढ़ेंगे। एन मैप, और इस बार हम लोग करते हैं एन मैप के साथ किस चीज़ को, पुराने वाला स्कैन ही था उसी को रखते हैं, और /24 जिसने पहले स्पेसिफाई किया था वो कर देते हैं। यानी कि अभी पूरा पूरा जो नेटवर्क है microsoft.com का, जिसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उसको स्कैन करेगा। आई थिंक इस वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अगेन हम लोग जो है /24 स्पेसिफाई किया है तो उसको सारे के सारे हिट एंड ट्राई करने पड़ेंगे, लास्ट के जितने भी 8 बिट्स होंगे। तो 8 बिट्स यानी कि अराउंड 256 डिवाइसेज, 256 आईपी एड्रेसेस को स्कैन करने पड़ेंगे। चलो इतने ही और इतने हम लोग आगे की बार देखते हैं अपना। तो एक और टर्मिनल की विंडो खोल लेते हैं, यहाँ पे टैब खोल लेते हैं ना, ये हमारी टैब हो गई, इसको थोड़ा जूम इन कर लेंगे फिर से, और DNS सब लिस्टर। तो सब लिस्टर क्या है, आपकी सब डोमेन्स जो है उसको लिस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सब लिस्टर यानी कि अगर मैं मान लो फिर इसका खाली हेल्प सेक्शन देखना चाहूँ मैं कि इसमें क्या क्या हम लोग सर्च कर सकते हैं, तो हाइफन डी लगा के हमको डोमेन नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जो बेसिक चीज़ें चाहिए, अगर आप इंजन स्पेसिफाई नहीं करते तो सारे इंजन का सर्च करेगा, बट हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे कौन से इंजन हम लोग को चाहिए, राइट। तो हाइफन एच हटा के हम लोग पहले हाइफन डी करते हैं। अब क्योंकि हम लोग काली पे बात कर रहे हैं तो काली डॉट ओ आर जी करके देख लेते हैं कि हमारा जो है ये डोमेन है जिसके हम लोग को सब डोमेन पता करने हैं। स्लैश ई जो था हमारा इंजन के लिए था, तो लेट्स कॉल दिस, इसको बिंग करके देखते हैं, बिंग भी है गूगल भी है, तो हम लोग इसको सब लिस्टर से बिंग पे करेंगे। तो ये बिंग पे सर्च कर रहा है काली डॉट ओ आर जी के सब डोमेन्स। अगेन सब डोमेन्स भी इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट पे आपको बग्स ढूंढने हैं उसमें क्या क्या डोमेन्स हैं, कहाँ कहाँ आप इसमें अटैक कर सकते हो, क्या आपकी होना चाहिए ना पैरामीटर जिसमें आप उसको लिमिट करोगे या जिन जिन पे आप जाके अटैक कर सकते हो, तो ये सारे काली के सब डोमेन्स है,
पैकेज डॉट काली जो डॉट ओ आर जी, ओल्ड नेट हंटर, काली फोरम्स, सी डी इमेज, जितने भी हैं इसने ये सब निकाले हैं। इसने सब ब्रूट फोर्स नहीं किया है। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, आप सारे के सारे हिट एंड ट्राई करके देखते हो कि ये डॉट काली डॉट ओ आर जी सब में कॉमन है। इससे पहले वो ए बी सी डी पासवर्ड वगैरह सब कुछ ट्राई करके देखेगा कि किस चीज से मिल रहा है। तो ब्रूट फोर्स के लिए अगेन अपने आप से जो करेगा नहीं, उसको एक वर्ड लिस्ट की फाइल चाहिए होती है कि जिसके वो डिक्शनरी टाइप का अटैक करेगा कि हर एक चीजें उसको जो है उसमें इनपुट करके अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग इस चीज में ब्रूट फोर्स नहीं करने वाले, एक बेसिक खाली आइडिया ले लिया कि अच्छा इसमें हम लोग सब डोमेन्स ढूंढ सकते हैं ऐसे, राइट। तो ये सब डोमेन्स का हो गया। एक और टूल जो इसमें मेरे को मालूम है वो है रिकॉन, वेयर इज इट, डीएनएस रिकॉन, यस। तो डीएनएस रिकॉन भी सिमिलर सही है। डीएनएस रिकॉन और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइफन डी डोमेन, इतने करते हैं हाइफ डीएनएस रिकॉन हाइफन डी, इसको हम लोग जो है रखते हैं लेट्स से तो इसकी भी हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के देख लिए यहाँ पे उसके कितने हम लोग को आई पी एड्रेस मिल सकते हैं डोमेन नेम वगैरह के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी काफी सारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। अलग अलग सर्वर्स को ट्राई करता है, अलग अलग जैसे क्लाउड फेयर का हो जाएगा, अजोर, इसमें क्योंकि अजोर चल रहा था इसमें तो अजोर के आ गए। तो ये बेसिकली डीएनएस रिकॉग्निशंस के लिए। तो जो चीज़ हम लोग वहाँ पे ऑनलाइन कर रहे थे हम लोग सब चीज सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सब लिस्टर, हमने इसका भी कर लिया। इन मैप ही हमारे तब से इसमें अटका हुआ है, नेवर माइंड, क्योंकि स्लैश 24 बहुत सारा है, इसको हम लोग रोक देते हैं यहाँ पे। और मैं इसको एक पिंग स्कैन बना देता हूँ खाली, हाइफन एस एन, एस एन का मतलब है खाली पिंग स्कैन करेगा, इसमें सर्विसेज को नहीं देखेगा क्या क्या सर्विस रन हो रही, तो सिर्फ ये पिंग करता जाएगा हर एक आईपी एड्रेस को। तो ये वाली चीज बहुत जल्दी होने वाली है और ये हो गया। तो इसमें इसने सारी के सारे आईपी एड्रेस ट्राई करे उस रेंज के, और इसमें उसने देखा कि किस कौन से होस्ट ने होस्ट आप हैं इसमें, तो काफी सारे होस्ट आप हैं इसमें और ये वाले माइक्रोसॉफ्ट के बिलोंग कर रहे हैं जो कि इसने सर्च किया, राइट, स्कैन रिपोर्ट फॉर microsoft.com जो आईपी एड्रेस था। तो /24 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे ही है, इसका कोई रेंज नहीं है यहाँ पे, ये पाकिस्तान आईपी एड्रेस है किसी और का, राइट। तो ये एक एनमैप का पिंग स्कैन हो गया। बाकी आप क्या है उसको हिट एंड ट्राई करके देख सकते हो। तो ये हुआ हमारा एनमैप। एक और जो चीज़ इसमें जो अच्छी चीज़ होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे बग हंटिंग में होती है बर्प सूट। तो बर्प सूट इनफैक्ट डू नॉट शो दिस अगेन, ओके, टेम्पररी प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो बर्प सूट क्या है, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो और हम लोग जब ब्राउजिंग कर रहे हैं या किसी जो हमारा टारगेट है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करने गए हैं, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करने गए हैं, तो बर्प सूट एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करेगा यहाँ पे। यानी कि जो भी आपका ब्राउजर पे काम चल रहा है वो सब इस बर्प सूट के थ्रू होके निकलना होके निकलेगा। उसका आपको लगेगा कि क्या फायदा है, फायदा ये है कि आप इसको बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा को जो आपके ब्राउजर से डेटा निकला है वो पहले बर्प सूट पे जाएगा, बर्प सूट आप उसको एडिटिंग कर सकते हो, चाहे तो आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, हेडर्स मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत कुछ, मतलब इसमें अगेन आप ही का जो है क्रिएटिविटी कि आप कहाँ पे कौन सी इनपुट को आप मॉडिफाई करना चाहते हो। बर्प सूट जो है एक फ्री वर्जन में कम चीज़ें अवेलेबल है, इसका जो प्रो वर्जन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे आपने देखे होंगे बर्प सूट यूज़ करेंगे। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बर्प सूट नहीं रिकमेंड करूंगा फॉर स्टार्टिंग, क्योंकि बर्प सूट थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। जो मैं चीज़ रिकमेंड करूंगा वो होगी ओवास्प का जैप। ओवास्प हमने बात करी थी जो हमारा ओपन सोर्स वाला जो था वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वाला जो प्रोजेक्ट है ओवास्प, तो मैं ओवास्प प्रेफर करूंगा। वाई, बिकॉज इसमें थोड़ा इंटरफेस ईजी टू लर्न है और आप चीज़ें विजुलाइज कर सकते हो कि क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा कंट्रोल दिखता है अपने हाथ में। तो जब सीख रहे हो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और अगेन ये ओपन सोर्स है तो ये पूरा फ्री है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आपको कहीं पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। बर्प सूट में प्रो लेने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा ये सब, तो ये उससे मुझे थोड़ा सा बेटर प्रेफर करता हूँ मैं। तो अगेन इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करो, चीज़ें एक्सप्लोर करो, देन आप जो है बर्प सूट मूव कर सकते हो। बर्प सूट भी अच्छा है, सारी चीज़ें जहाँ पे वहाँ पे भी हैं एक्सेप्ट ऑफ यू कुछ छोटी मोटी चीज़ें। तो इसमें क्या है, एक तो आप ऑटोमेटिक स्कैन कर सकते हो। अगेन मैंने आपको कल बताया था कि ऑटोमेटिक मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं मैनुअल प्रेफर करूंगा, बट अगर आप प्रेफर करो कि मुझे खाली सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं
यहाँ पे आपको खाली अपना जो वेबसाइट का एड्रेस डालना पड़ेगा कि मैं कौन सी वेबसाइट पे कर रहा हूँ, ये अपना अटैक शुरू कर देगा। अटैक में क्या करेगा, जितनी भी नोन उसको पता होंगी चीजें, वल्नरेबिलिटीज या हिडन ट्राई करने के स्क्रिप्ट्स उसके पास जो होंगी वो सभी रन करेगा और एक आपको रिपोर्ट बना के दे देगा कि अच्छा इस वेबसाइट में ये सब चीजें हैं, ये कमजोर यहाँ पे है, ये हाई अलर्ट है, ये क्रिटिकल अलर्ट है, ये लो लेवल का अलर्ट है, वो सब ये ऑटोमेटिक में बता देगा आपको। बट क्योंकि हम लोग मैनुअल प्रेफर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मैनुअल एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हेडसअप डिस्प्ले भी है तो मैं ये इनेबल करूंगा। और लेट्स इनफैक्ट व्हाट वी शुड डू इज आई थिंक हम लोग जूस बॉक्स ओपन कर ही लेते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल एक बार खोलूंगा इस पर और आई विल चेंज माई डायरेक्टरी टू जूस बॉक्स जूस शॉप सॉरी एंड npm स्टार्ट। तो हमने इसका जूस शॉप का सर्वर स्टार्ट कर लिया है जो कि लिसन कर रहा है 3000 पोर्ट पे। तो मैं सेम यहाँ पे उस एड्रेस पे ओपन कर लेता हूँ उसको। तो ये मेरा लोकल होस्ट 3000 वाला है, मैंने इसको ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था। फायरफॉक्स में लॉन्च होने वाला है तो मैं क्या करूँगा, उसको लॉन्च ब्राउजर कर देते हैं। तो हमारा जो ब्राउजर होगा वो थोड़े सुपर पावर्स के साथ अभी हमारे को दिखाई देगा। और क्या सुपर पावर्स, मैं आपको दिखाऊंगा क्या बात है उसकी। Dismiss wanted. हमारा हुड ऑन हो जाए। हाँ ये आ गया हमारा हुड। तो हुड में क्या है, आपको ये सब चीजें साइड में दिख रहा है ना, ये जो ये टैब्स बने हुए हैं तो आपको साथ साथ जैसे होता है ना आपकी ट्रेनिंग व्हील्स वैसा समझ सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा टूल्स जो आप यूज कर सकते हो और काफी निफ्टी है, काफी काम आते हैं सारी चीजें। तो मैं एक एक करके आपको टूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो क्या करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो पहले आपको दिख ही रहा होगा कि कुछ अलर्ट्स ऑलरेडी फ्लैग्ड है। तो ये आउट स्कोप का मतलब है कि इस वेबसाइट जो हम लोग अभी जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं उसको स्कोप के बाहर रखा गया, यानी कि कुछ टूल्स अगर आप जो उसमें अटैक रन करोगे वो फिलहाल इसके आउट ऑफ स्कोप है। तो अगर आपको वो अटैक्स रन करना है उसको इन स्कोप कर दोगे, ऐड डोमेन टू स्कोप यस। तो अगर आप यहाँ पे कोई स्कैन वैन स्टार्ट करोगे तो आपका स्कोप में रहेंगी सब चीजें। ऑफ ब्रेक इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर मैं अभी कोई भी चीज करता हूँ यहाँ पे, मैं अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ, कोई वेब पेज वगैरह खोलता हूँ, तो सीधा मैं इस वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हालांकि फिलहाल तो ये लोकल होस्ट पर रन हो रहा है सर्वर, तो वैसे भी ये यहीं पे ही है, लोकली है, बट अगर किसी वेबसाइट पे भी होता तो ये डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर रहा होता। मतलब माला ही प्रॉक्सी के थ्रू हो रहा है कि ये पीछे ज़ैप चला है उसके थ्रू हो रहा है, बट कहीं रुकेगा नहीं। अगर मैं इस ब्रेक को ऑन कर देता हूँ तो जो भी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करी है, मान लो मैंने कोई इनपुट किया है, मैंने यहाँ पे जो है कुछ सर्च किया है, लेट्स से मैंने रबिश कुछ भी सर्च किया, तो वो आगे बढ़ने से पहले उसको रोक देगा वहीं पे। तो रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर से तो निकल जाएगी पर आपके यहाँ पे ज़ैप पे आके वो चीज़ अटक जाएगी कि यार ज़ैप पूछेगा कि आपको उसका क्या करना है, आपको जो है इसको एज इट इज भेजना है, मॉडिफाई करना है या कुछ चेंजेस नहीं करना, ड्रॉप कर देना है। फिर आप बोलोगे इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये कि कई बार हमारे ब्राउजर में जैसे वो जावास्क्रिप्ट वगैरह रन करते हैं ना, कि आपको कुछ चीज़ें अलाउड ही नहीं है। मान लो कोई ऐसी इनपुट फील्ड है जहाँ पे कि खाली आप नंबर्स डाल सकते हो या नंबर की रेंज दे रखी है कि आप 1 से लेके 1000 तक कुछ डाल सकते हो, उसके आगे नहीं डाल सकते। तो आप इस चीज को यूज करके उसको मॉडिफाई, आप जो है शुरू में डाल दोगे, मान लो आपने 5 डाल दिया, इसको आपने ऑन किया और फिर जो जाएगा आपके जैप पे आके अटक जाएगा, यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा कि आपको चीज अटकी हुई है, कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वहां पे उसको मॉडिफाई कर दो। तो आपके ब्राउजर पे आपने एस्केप कर दिया जो भी जावास्क्रिप्ट वगैरह रन हो रही थी, और मान लो आप उसमें कुछ भी कोड डालना चाहते हो, इंजेक्ट करना चाहते हो, आपने इंजेक्ट किया और सेंड कर दिया। रिस्पॉन्स क्या आते हैं वो तो अलग बात है कि उसको उस डेटा को लोग कैसे सैनिटाइज करते हैं, वो तो कुछ वेबसाइट्स भी करेंगे ना कि अपनी तरफ से प्रोटेक्शन रखेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि ये जो भी हम लोग को दिख रहे हैं इसमें टूल्स होगा हर जगह काम करने वाले हैं, बट जो उसका फंक्शन है कि वो रोक के आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो। शो इनेबल ये वाला जो है, ये जो 32 बनी हुई है, ये है कि अगर यहाँ पे कोई जो है हिडन टेक्स्ट फील्ड्स होते या हिडन आपके कोई मान लो अगेन जैसे कुछ होता है ना कि आप टेक्स्ट बॉक्स से कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे सर्च कर रहे तो ये टेक्स्ट बॉक्स चल रहा है, इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बट ऐसे कुछ होते हैं यहाँ पे उन्होंने रोक रखा है कि आप इस चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहने वाली है। तो आप इसको इनेबल करके उसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन ओपन कर सकते हो। वैसे यहाँ पे 0 दिखा रहे हैं, यानी कि इसमें वो कोई ऐसे ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पे कि उसको डिसेबल किया गया हो, तो अगर यहाँ पे कोई डिसेबल्ड होता तो वो दिखा देता। फिर ये पेज के अलर्ट्स है कि इस पेज का जो पर्टिकुलर वेब पेज खुला हुआ है उसमें हाई लेवल की क्या अलर्ट्स हैं, मीडियम लेवल की क्या अलर्ट्स हैं, लो लेवल की क्या अलर्ट्स हैं, तो इसने सारे फ्लैग कर रखे हैं। आप किसी को भी इसमें ओपन करके कि अच्छा इसमें क्रॉस डोमेन में इसका कॉन्फिगरेशन है क्या है उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वेब ब्राउजर डेटा लोडिंग में बी पॉसिबल ड्यू टू क्रॉस ओरिजिन, जो भी इन्होंने लिखा
रखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सोल्यूशन है और इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना, वो सब आपके ऊपर है, राइट। तो ऐसी चीजें फ्लैग करता रहता है यहाँ पे। टॉगल स्क्रिप्ट, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रोकनी है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो रही है, तो पीछे हमारी सारी जितनी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, डॉट जेएसएन, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, कोई पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट आपको रोकनी है कि यार ये चीज नहीं रन होनी चाहिए, अगर ये रन होगी तो मेरा पकड़ा जाएगा जो भी मैं स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ अपनी तरफ से, या मैं बाकी चीजें कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी वाले को डिसेबल कर दूँ जो भी इसमें चल रही है, प्राइवेट आईपी डिस्क्लोजर इसको बंद कर देते हैं, मैं नहीं चाहता, या सपोर्ट जेएसएल उसको बंद कर देते, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो यहाँ पे किसी, मतलब बेसिकली अगेन आपका वेब ब्राउजर है, आपके पास पूरी पावर है कि आप कौन सी चीज रन करना चाहते हो, कौन सी चीज को रोकना चाहते हो। ये एक रिपोर्ट दिखाने के लिए कि जो हम लोग पेज देख रहे हैं इसकी क्या रिपोर्ट है, तो अगेन वो खाली रिपोर्ट देखने वाला काम हो गया, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। साइट ट्रीज, यानी कि जो हम लोग अभी वेबसाइट देख रहे हैं इसकी क्या ट्रीज है, तो लोकल होस्ट से ही बता रहे हैं रिलेटेड, ये बाकी सारे तो उसमें रिलेटेड से नहीं है क्योंकि ये तो उसने बाई डिफॉल्ट कुछ डाल रखे हैं, बट अगर हम लोग कोई लाइव वेबसाइट देख रहे होते तो उसके कुछ साइट ट्री बना सकता था। ये स्पाइडर है, स्टार्ट स्पाइडर, तो ये क्या करता है, ये पैसिवली स्कैन करेगा जितने भी हमारे यहाँ पे कोई इनपुट्स वाले फील्ड होंगे या सब डोमेन्स होंगे, लिंक्स अंदर खुलती होंगी, कहाँ कहाँ कौन सी चीज लेके जाती है, तो ये इसको स्कैन करना शुरू कर देता है। ये एजैक्स स्पाइडर है। एजैक्स स्पाइडर उससे अलग कैसे है, इसमें जावास्क्रिप्ट को भी यूज करता है, तो ये स्टार्ट, ये जो स्पाइडर नॉर्मल वाला, ये जावास्क्रिप्ट पे आके अटक जाता है। अगर कोई ऐसा पेज होगा जो कि जावास्क्रिप्ट उसको ब्लॉक कर रही है या जावास्क्रिप्ट के थ्रू होके निकलना है, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट ये वाला एजैक्स स्पाइडर जो है ये जावास्क्रिप्ट को भी बाईपास कर देगा, और आपको अगर कोई जिसमें सर्च कर रहा है, बेसिकली पैसिव स्कैनिंग कर रहा है, तो उसको ये स्कैन कर लेगा जावास्क्रिप्ट के होते हुए भी। ये है एक्टिव स्कैन। तो यहाँ पे ये थोड़े से एक्सप्लॉइट्स रन करना शुरू करेगा जो उसको चीजें पता होंगी, यहाँ पे कि कुछ पैकेजेस भेजेगा, कुछ गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा अपनी तरफ से। इससे ऊपर तो खाली स्कैन कर रहा था, क्या क्या इसमें डोमेन्स हैं, क्या क्या इसमें आइटम्स हैं, इस वेबसाइट में क्या, वेब पेज में क्या क्या रिसोर्सेज, सारे स्कैन करेगा। ये जो एक्टिव स्कैन है, यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करेगा अपनी तरफ से, जितने स्क्रिप्ट आउट होंगे इसके पास वो ट्राई करेगा रन करने की। अगेन ये ऑटोमेटिक चीजें तो आप रन कर सकते हो मजे, अगर आपको जो है इसमें आपको अच्छा लगता है करके देखो, बट अगेन दिस इज नॉट व्हाट आई प्रेफर। ये अटैक मोड है, ये एक्टिव स्कैन था, ये अटैक मोड है, थोड़ा सा एडवांस और हो जाता है इसमें, और भी सिवियरली इसको जो है करेगा। मैं इसमें ज्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हम लोग इसमें इस चीज को यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पर फिलहाल। और ये साइट के अलर्ट्स है, तो ये वेब पेज के, इस पर्टिकुलर वेब पेज के, और ये वेबसाइट के, तो वेबसाइट के अंदर कई सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर वेब पेज पे ये अलर्ट्स हैं, वेबसाइट के सारे अलर्ट्स हैं। कमेंट्स, कई बार क्या होता है कि जब लोग कोडिंग करते हैं, ये लोग वेब पेज बनाते हैं, तो उसके पीछे कुछ कमेंट्स छोड़ देते हैं कि उसको हो सकता है कि वो कमेंट उन्होंने ऐड किया कि उसको मैं बाद में फिक्स करूंगा, या किसी और के रेफरेंस के लिए कि अच्छा मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया इस पर्टिकुलर कोड, इस जगह पे मान लो ये ऑलमेटिक्स लिखा है, उसके आगे कोई कमेंट डाल दिया मैंने, कि जो कि खाली कोडिंग वाले बंदे को दिखना चाहिए, किसी और को नहीं दिखना चाहिए कि इसमें ये चीज़ें मॉडिफाई करनी है, यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये कमेंट्स ऑन करके कई बार हम लोगों को कमेंट्स दिख जाते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा कोई कमेंट मेरे को नहीं दिख रहा है, राइट, बट चलो मैं आपको एक और दिखाई देता हूँ, कुछ एक लाइव दिखाता हूँ जिसमें आपको थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। तो मैं अगर मैं गूगल खोलता हूँ यहाँ पे, google.com, गिव इट अ मिनट कि ये जो है अपना सारा जो इसका हेड्स अप डिस्प्ले है उसको लोड कर लें उसके बाद। हाँ है हमारा हुड्स हेड्स अप डिस्प्ले, ये आ गया। तो नो थैंक्स, आई डू नॉट वांट टू साइन इन। अब आप यहाँ पे कुछ चीजें देखोगे, जैसे कि यहाँ पे थ्री बना हुआ है ना, शो इनेबल, जो है कुछ हिडन जगह जहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हो या जो हम लोग को नहीं दिखा, तो इसको मैं इनेबल करता हूँ। ये देखो गूगल पे कुछ हिडन आई फ्रेम्स हैं, और ये आपको पता नहीं होंगे कि क्या काम करते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग यू कैन वर्क ऑन, आप इसको रिसर्च करो कि किस काम के आते हैं। मैं पर्सनली मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि यहाँ पे क्यों है ये, और ये मॉडिफाइएबल होने चाहिए थे, आई थिंक। मैं इसको आउट ऑफ स्कोप छोड़ा, इसको इन स्कोप कर देते हैं हम लोग पहले, और नहीं इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग कोई चीज़ सर्च करें, मान लो उसने जो भी सजेस्ट कर रखा है सर्च कर देते हैं एक बार, और हमारा हेड्स अप डिस्प्ले क्या कहता है, HTML एट्रीब्यूट पोटेंशियल एक्सेस, यानी कि इस वेब पेज में पोटेंशियली आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पॉसिबल है, इसने खुद ही फ्लैग कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे सात दिख रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ है, और इनमें से कुछ मॉडिफाइबल भी है, मैं कुछ को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या सर्च पैरामीटर होता है, क्या चीज़ है ये, आई डोंट रियली नो राइट नाउ, बट
आई विल फाइंड आउट सून. मैंने मैंने खुद ही रिसेंटली डिस्कवर किया कि ऐसा भी है इसमें हैक पेज में, राइट. एंड आई थिंक कि काफी सर्च में चला गया, तो नहीं ये सब मैं नहीं करेंगे. इसमें और भी कुछ अलर्ट्स फ्लैग हुए हैं जो आप देखना चाहो देख सकते हो, राइट. तो और इसमें कुछ कमेंट्स भी लोग ऐड करते हैं. कहाँ पे हैं इसके कमेंट्स, पहले इसको ऑफ करते हैं. इसमें फिलहाल नहीं दिख रहा है, नेवर माइंड. तो थोड़ा सा आपको मैंने लाइव दिखा दिया इसका, बाकी हम लोग इस पर आ जाते हैं वापस. तो इसमें हम लोग जैप पे ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं. ब्रूट फोर्स का क्या मतलब है? पहले तो हम लोग इसका लॉग इन एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं, जो कि मैं आपको पिछली बार भी दिखाना चाह रहा था लेकिन उस टाइम पर नहीं हो पाया था. तो इसमें इनफैक्ट लेट्स गो बैक फॉर 1 मिनट. या चलो पहले हम लोग आपको एक एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करके दिखाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है. एंड मैं इसे इसको व्हाट्सएप डिस्प्ले को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ फिलहाल. और मैं यहाँ पे मान लो मैंने लिखा एडमिन, या मैं कुछ भी यहाँ पे, मैं डज नॉट मैटर, मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया. जो भी सर्च क्वेरी थी, जो ईमेल वाला जो हमारा था, उसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया और जो चीज़ हमेशा ट्रू रहने वाली है, यानी कि 1 = 1, ये हमेशा ट्रू है. हाइफन हाइफन स्पेस. पासवर्ड में चाहे मैं कुछ नहीं डालू, मैं पासवर्ड लिख दूँ 1, खाली एक सिंगल की डालिए, देख लो मेरा 1 डाला यहाँ पे. ये नहीं, ऐसे नहीं कि कोई पासवर्ड है. लॉग इन क्लिक करेंगे, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया और हमारे पास इसमें चैलेंज सॉल्व हो गया, राइट. और अकाउंट देख सकते हो आप, एडमिन से लॉग इन हूँ. तो ये एक एसक्यूएल इंजेक्शन में पॉसिबल था, जिसमें कि मैंने उसका जो लॉजिक होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, उसको मैंने बीट कर दिया, राइट. मैं इसको फिर से साइन आउट कर देता हूँ, बिकॉज हम लोग ऐसे नहीं साइन इन करना चाहते. हम लोग को ऐसा ये वाला साइन नहीं चाहिए, हम लोग को अलग तरीके से साइन इन चाहिए. तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को थोड़ी रिकॉग्निशंस करनी थी इसमें कि एडमिन का यूजर नेम क्या है, या जो ईमेल एड्रेस है जिससे साइन इन करता है वो क्या है. तो हम लोग कैसे पता करेंगे? अगर ये एक लाइव वेबसाइट होती तो आप जो है इसके बारे में फुटप्रिंटिंग करते, उसकी सोशल प्रोफाइल वगैरह देखते, निकालने के लिए कि उसकी ईमेल आईडी वगैरह क्या है. यहाँ पे थोड़ा ईजी है, अगर हम इसमें कोई भी खोलते हैं, ये और प्रोडक्ट खोला हुआ है ना, यहाँ पे एक रिव्यू है, यहाँ पे दिख रहा है कि एडमिन ने ही इसमें रिव्यू डाल रखा है. तो ये सामने से दिख गया. अगेन ये एक चीज़ हम लोग को नहीं दिखनी चाहिए कि यार एडमिन का क्या एग्जैक्ट यूजर आई है, आपका ईमेल आईडी है. तो ये चीज भी एक वल्नरेबिलिटी एक टाइप से, किसी भी लाइव वेबसाइट पर आपको एडमिन का ईमेल आईडी नहीं दिखना चाहिए. तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे. तो हम लोग जाएंगे अकाउंट पे, लॉगिन पे जाएंगे और मैं इसका ईमेल आईडी डाल दूंगा यहाँ पे. ये रहा ईमेल आईडी और पासवर्ड. मैं फिलहाल क्योंकि मैं खाली एक एक नॉर्मल अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट ट्राई. ऑब्वियसली ये नहीं चलने वाला, ईमेल आईडी इज नॉट करेक्ट, राइट. एंड हमारे यहाँ पे हिस्ट्री आ गई और यहाँ पे मैंने एक गेट रिक्वेस्ट डाला था, जिसमें कि हमारी रिक्वेस्ट क्या थी, लॉगिन वाली, ये रही. तो ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, इसने उसको इंटरसेप्ट किया था. मतलब इंटरसेप्ट यानी कि इसके थ्रू होती हुई गई है. तो जो इसका जो भी हेडर था, सब हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये रहा हमारा ईमेल आईडी, हम लोग इसमें भेज रहे हैं, राइट. और ये हमारा पासवर्ड है. तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ट्राई वाले जो मैंने उसको सेलेक्ट किया और इसमें मैं फर्स्ट पे जाता हूँ. फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यानी कि इस जगह को मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ अपने अगले अटेम्प्ट्स में. तो यहाँ पे मैं पेलोड्स ऐड कर देता हूँ, ऐड अ पेलोड. यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं कंटेंट्स खुद से ऐड कर सकता हूँ कि क्या पासवर्ड्स होने चाहिए, जो जो मैं ब्रूट फोर्स में डालना चाहता हूँ. बट मैं एक फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली थी इस सेशन के लिए, जो कि मेरे को गूगल से मिल गई. गूगल में मैंने सर्च किया कि पासवर्ड की एक ब्रूट फोर्स के लिए फाइल, तो उसने मुझे एक टेक्स्ट की फाइल दे दी. तो फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, वो मेरे डाउनलोड्स में पड़ी है. ये जाटो नेट 10 मिलियन पासवर्ड्स, काफ़ी सारे पासवर्ड इसमें ऑलरेडी हैं. ये जो सिंपल बेसिक पासवर्ड तो उसमें है, इसको मैं ऐड कर दूंगा और ओके. तो हमारी पेलोड सिलेक्टेड है. ऑप्शंस में जाएंगे, मैं यहाँ पे फॉलो रीडायरेक्ट्स को चेक कर रहा हूँ, यानी कि अगर किसी भी वेब पेज पर अगर हम लोग जो है जब लॉग इन करते हैं और वो किसी और वेब पेज पर रीडायरेक्ट करता है, तो उसको फॉलो थ्रू करें, राइट. तो ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है. अब मैं यहाँ पे स्टार्ट फर्दर कर देता हूँ. तो ये देख रहा हूँ साइड में सारे ब्रूट फोर्स चल रहा है, सारे सारे पेलोड ट्राई करने वाला है. तो उसको देखते हैं कितना टाइम लगता है. जल्दी होने वाला है, काफ़ी जल्दी हो रहा है. तो मैंने 1015 जितनी भी अटेम्प्ट्स इसने किए हैं. और अब आप बोलोगे कि इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा चल गया, पासवर्ड मिला कि नहीं मिला. तो कुछ में कोड है यहाँ पे 401, जिसमें कि अनऑथराइज आ गया. इसका रीजन जो है, हम लोग को चाहिए कि हम लोग को कहीं पे जहाँ पे एक्सेस मिल गया हो, यानी कि स्टेटस हमारे 200 ओके हो गया हो. तो हम लोग वो कैसे देखेंगे, आप इसमें मैनुअली सर्च कर सकते हो. मैं कोड को जो है थोड़ा ऐसे कर दूंगा कि कोड से सॉर्ट कर दो उसको. तो ये रहा हमारा 200 वाला एडमिन 123. इस पेलोड पे हमारा जो है ओके रीजन आ गया था, यानी कि एडमिन 123 इसका पासवर्ड है. तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और इसको फर्स्ट ट्राई को हटा के, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे ये सॉल्व भी कर लिया क्योंकि मैंने ब्रूट फोर्स यूज किया,
तो उसने उसको सॉल्व भी मान लिया। तो यहाँ पे हमारा एडमिन 123 और ये हमारा पासवर्ड चल गया, राइट, वेरी सिंपल। अब कुछ जगह पे आप जाओगे, अगर इसे अटैक करने की कोशिश करोगे तो शायद उसमें कैप्चा आ जाएगा बीच में, क्योंकि उन लोगों को पता होता है, वो ये ऐसे कोड रन करते हैं कि यार बॉट तो नहीं है बंदा, क्योंकि हमने जो भी हमने चीज करी बॉट बॉट ही तो कर रहा है वो, बॉट यानी कि जो एक रोबोट है, मशीन है, तो ये जो ब्रूट फोर्स रन हुआ है एक बॉट की तरह से रन हुआ है, तो ये सेम चीज को ब्लॉक करते हैं, यानी कि आफ्टर 3 4 5 अटेम्प्ट उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट वो चीज नहीं हो रही थी, राइट, तो ये वल्नरेबिलिटी है। ये भी अगर ये कोई बग आप किसी जगह में मिलता है तो ये बहुत लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ब्रूट फोर्स करने के लिए, तो वो सबसे बड़ा जैसे होता है ना कि एक क्रिटिकल की साइड जाएगा या फिर एटलीस्ट एक हाई की स्टैंडर्ड का बग तो बनेगा, वल्नरेबिलिटी बनेगी। तो ये चीजें भी ट्राई करने लायक होती हैं। तो ये हमारा एडमिन तो लॉग इन हो गया, अब इसमें हमारा जो हेड्स अप डिस्प्ले था उसको ऑन रखते हैं, और हमारा जो शॉपिंग बास्केट है, ये हमारा बास्केट है, और मैं अगर चेकआउट करना चाहूँ इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, अगेन तो कोई पैसे तो लगने वाले हैं नहीं, एक एड्रेस सेलेक्ट करना है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, एक नया एड्रेस ऐड कर लेता हूँ, और फिलहाल मैं अपना हेड्स अप डिस्प्ले को, यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ तो नहीं है, नहीं दिख रही यहाँ पे, कमेंट्स क्या है, एक कमेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है सिटी के साथ, क्या कमेंट है, एनजी कंटेंट एनएफसी क्लास ये फॉन्ट ऑसम वगैरह करके, तो उसने कुछ कमेंट ऐड किया था जो कि हम लोग को दिख रहा नहीं दिखना चाहिए था। तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी हो सकती थी कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हम लोग को जूसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिलहाल मैंने उसको बंद कर दिया है जो हमारा हेड्स अप डिस्प्ले था, क्योंकि मैं आपको कुछ और एक अलग अप्रोच दिखाने वाला हूँ, जो कि शायद आपको जिसमें आपको जैप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं या क्रोम यूज करो या ब्रेव यूज करो, ऐसे ब्राउजर्स ना ये सब चीज़ें हम लोग को मिलती है। मैं आपको कल भी सेम चीज़ दिखाई थी जिसमें क्या हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला खोल लेते हैं यहाँ पे, तो सिमिलर चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, बस हम लोग यहाँ पे सब चीज़ें लाइव दिख रही हैं क्या क्या है। मान लो कंट्री हम लोग को यहाँ पे करनी है, मैं कुछ भी यहाँ पे रबिश लिख देता हूँ, डज नॉट मैटर, मैं इसमें सब में रैंडम चीज़ एंटर कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं मुझे मालूम है, मैं इसमें भी रैंडम चीज़ एंटर करूंगा, सब चीज़ें इसमें रैंडम है, सिटी स्टेट सब कुछ पीपीपी, ये सबमिट वाला बटन लॉक्ड लॉक्ड है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, ये लॉक्ड है तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो होता है ना इंस्पेक्टर, जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं गया सबमिट पर देखने के लिए कि यार ये बटन की कोडिंग कहाँ पे है। तो सबमिट का जो बटन है ये दिख रहा है बटन, आपको अगर ये जूम इन नहीं कर सकता मैं इसको, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा मतलब अपने स्क्रीन के पास आगे, बटन आईडी दिख रहा है सबमिट बटन, क्लास दिख रही है उसकी, रेज्ड है, कलर प्राइमरी, डिसेबल्ड ट्रू है, डिसेबल्ड है ये, ऐसा क्यों, अगर इसको हम लोग डिसेबल्ड को फॉल्स कर दें तो क्या होता है। तो टू 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 हम लोग इस पर सबमिट पर क्लिक करके देखें, नहीं हुआ, तो अगेन हिट एंड ट्राई है, जरूरी नहीं कि हर बार काम करेगा, इसको हम लोग ट्रू ही रहने देते हैं, फिर हम लोग इसको डिसेबल्ड को इनेबल्ड करके देखते हैं, इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, क्या उससे बात बनेगी, नहीं उससे बात नहीं बनी। अगर हम इस चीज़ के इस कोड को हटा ही दें तो ये कोड हमने हटा दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं अभी सर्च होता है सबमिट होता है कि नहीं होता, नहीं दो नंबर इसमें डालना ही पड़ेगा, डाल दिया, चलो अब तो सबमिट हो गया। आप हम लोग एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे, जस्ट अ मिनट, सो नो वाली फील्ड बाहर दो कुछ भी, नहीं आई नो नंबर वाली फील्ड भर सकते हैं, मैं ट्राई कर रहा था कि हम उस चीज को बाईपास करें, क्योंकि हम लोग यहाँ बग्स ढूंढने की बात कर रहे हैं, कि अगर उस फील्ड में कोई इनपुट करना जरूरी है तो क्या उसके बिना भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो चीज देखने के लिए। तो इसने फिलहाल उसको नहीं अलाउड किया, इस कोडिंग से नहीं अलाउड किया, अगर कोई और तरीका हो सकता है उससे कर सकते थे, हिट एंड ट्राई की बात है, मैं आपके सामने कुछ चीजें ट्राई करके देख रहा था, ये चीजें मैंने भी पूरी सॉल्व नहीं करी हुई, इस जूस शॉप को मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है। अगेन ये बटन भी डिसेबल्ड है, क्या मैं इसमें इसको सेलेक्ट किए बिना आगे बढ़ सकता हूँ, डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, अगर मैं इसको इनेबल कर दूं तो क्या बात बनेगी, नो अगर मैं इसको बटन डिसेबल्ड यहाँ पे है, माय प्राइमरी बटन डिसेबल्ड नहीं मुझे चाहिए इनेबल्ड, तो कंटिन्यू का बटन तो हम लोग को दिख रहा है इनेबल्ड हो गया, राइट, खाली बटन काम नहीं कर रहा है बट आपको दिख रहा है कि बटन इनेबल हो गया, तो मैंने कुछ तो इसमें किया, राइट।
तो फिलहाल नाम के लिए कोई भी सेलेक्ट लेते, वन डे रेलवे हम लोग कौन सा कुछ पैसे भरने हैं। अब यहाँ पे कुछ कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह का है, ये पे वाला बटन भी है यहाँ पे, या ये वॉलेट बैलेंस है। तो ये तो एक बहुत छोटी चीज होगी जो मैं करूंगा, अगर यहाँ पे जो है ये लोकली इस चीज को वेरीफाई कर रहा होता, यानी कि साइट पे जाके नहीं चेक करने वाला है, यहीं पे लोकल वेरिफिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इस कार्ड टाइटल, इनकी एनजी कंटेंट 0.00। अगर मैं इसको यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ये 1000 कर देता हूँ, तो मेरा वॉलेट बैलेंस क्या हो गया, 1000 हो गया। तो अगर यहाँ पे लोकली खाली चेक कर रहा होता, जो है जाके चेक नहीं कर रहा है वेबसाइट के साथ कोलाबरेट करके कि वॉलेट में क्या बैलेंस है, तो ये जो है अपडेट मतलब जो है काम कर जाता, पर उन्होंने उसमें चीज ठीक डाल रखी है कि नहीं ऐसा ना हो। इस बटन का हम कुछ कर सकते हैं कि बटन जो है इनेबल हो जाए किसी तरीके से? मैट, ओके, बटन डिसेबल्ड, मैट प्राइमरी बटन डिसेबल्ड, नहीं हम लोग को चाहिए इनेबल रहे। इनेबल्ड इसमें भी हम लोग कर देते हैं इन इनेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, तो चीज इनेबल कर दी। क्या ये पे वाला चलेगा काम? इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस, तो कुछ वेरिफिकेशन भी हो रही है यहाँ पे, तो वो चीज़ काम नहीं करी अनफॉर्चुनेटली। अगर इसको हम लोग करें डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स करके देखें, कहाँ गया हमारा बटन? तो डिसेबल इज इक्वल्स फॉल्स करने से वो कोई एरर तो थ्रो नहीं कर रहा है, बट पेमेंट भी नहीं हो रही है, नेवर माइंड। तो ये हमने एक चीज ट्राई करके देखी, किसी के इसके भी किसी भी अकाउंट से कर देते, क्या फर्क पड़ता है। कंटिन्यू प्लेस ऑर्डर एंड पे, तो उसके क्रेडिट कार्ड से हमने पेमेंट कर दी, हालांकि इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अकाउंट में इसके पैसे जो थे चले गए। अब हम लोग और क्या करते हैं जो बग्स ढूंढते हैं? हम लोग को चाहिए कि यार हम लोग देखें इसमें कोई सीक्रेट पेजेस वगैरह तो नहीं है। मान लो अगर इसमें कोई और पेजेस होते, जैसे कि ये लोकल होस्ट, इसके आगे 3000 जो होगा, ये तो हमारा वेब पेज है, अगर इसके आगे मैं खाली एडमिन डालूँ तो उसे नहीं मिला। एडमिन के आगे ये भी डाल रहे, तो कुछ पेज तो खुला है। कमेंट क्या है, इस कमेंट को देखते हैं क्या कह रहा है कमेंट। कॉपीराइट टू द जो शॉप कंट्रीब्यूटर्स, ओके, तो मतलब ये बेसिकली है तो एडमिन का ही पेज, बट इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, राइट? अगर कुछ और होता तो इसमें दिखा देता, मतलब ये पेज एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये खुला है यहाँ पे, बट इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो ये एडमिन पेज हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अगर आप इसमें जो है इसको एक्सप्लोर करने जाओगे, वो जूस जूस शॉप को, लॉग इन तो है, अगर हम लोग को चाहिए कि हम किसी ऑफिस से साइन इन करें, तो हम लोग को कुछ लोग की ईमेल आईडी वगैरह चाहिए होगी। तो इसमें और क्या क्या है? अब हम जब इसमें फुट प्रिंटिंग करते हैं, तो इन्हीं की वेबसाइट पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नहीं यहाँ पे नहीं देख रहे, अगर यहाँ पे फोटो वॉल क्या है, तो यहाँ पे कुछ लोगों की फोटो वॉल है, कुछ फोटोज दे रखी हैं, किसी के बंदे का नाम भी है यहाँ पे, जॉनी क्या है, राइट? आई थिंक हमारे को एक एडमिन पेज तो मिलना चाहिए, वाई इज इट नॉट ओपनिंग? नेवर माइंड, क्योंकि एडमिन पेज में हम लोग को इसके कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। अगर इसमें हम लोग पूरी स्क्रिप्ट अगर ये रन कर दें, तो ये एक्टिव स्कैन करो, स्टार्ट स्टार्ट करके देखते हैं किसमें क्या मिलेगा, रिपोर्ट में देखेंगे इसके बाद। फिर 1% हुआ है, साथ साथ नीचे हमारे जो है जनरेट करता जा रहा है रिक्वेस्ट। अगर हमारे इसमें हम लोग जाके देखेंगे तो ये कई सारे रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, सारी से ट्राई कर रहा है यहाँ पे, डॉट स्लैश API स्लैश क्वान्टिटी, ये सब इसने खोल मतलब जो है हिडन ट्राई करके देख रहा है और प्रोसेस देख रहा है। तो आप इसमें बाद में जाके चेक कर सकते हो, अगर आपको देखना है कि कौन सी रिक्वेस्ट में क्या हो रहा था, स्लैश API में क्या हो रहा है, स्लैश चैलेंजेस में क्या हो रहा है, लोकल हो स्लैश एडमिन स्लैश एसेट्स, ओके, ये वेबसाइट खोल के क्यों ना देख लें हम लोग, एडमिन स्लैश एसेट्स, ओके। तो क्या चीज है ये, ओके आई थिंक वो मैंने स्कैन के बीच में कर दिया, सो ऐसा हो गया है, नो माइंड। लोकल होस्ट स्लैश
एडमिन स्लैश एसेट्स अगेन, और हमारा स्कैन अभी भी चल रहा है, चलने देता इसको। स्कैन का जो रिजल्ट आएगा वो तो ठीक है, बट दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो इनफैक्ट आई थिंक आई विल ऑल्सो मेंशन कुछ टूल्स जो हम लोग एंड्रॉइड वगैरह पे यूज कर सकते हैं, अगर आप जो है एडमिन के सॉरी एंड्रॉइड वगैरह बग हंटिंग वगैरह करना चाहते हो, कुछ एप्लीकेशन को देखना चाहते हो, तो मैं टूल्स आप मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास अभी एक एंड्रॉइड डिवाइस है नहीं जो मैं आपको उसको जो है डेमो करके दिखाऊं, बट काफी सारे टूल्स अगर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे। बट जो जो जाने माने से टूल्स आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे एंड्रॉइड टोटल है एक टूल, ट्रेस ड्रॉइड है, एपीके एनालाइजर है, एपीके इंस्पेक्टर है, एंड्रो बग्स है, एपीके टूल है, और इनफैक्ट गूगल का खुद का एक टूल है एंड्रॉइड स्टूडियो। मैं पर्सनली एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करके देख चुका हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक एम्यूलेटर भी मिल जाता है, जिसमें कि आप एक एक्चुअल एंड्रॉइड डिवाइस पे अपनी एप्लीकेशन को लोड करके देख सकते हो, तो आप उसको रन करके देख सकते हो कि उसमें क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अगर आपको इसमें सोर्स कोड चेंज करना है, किसी एप्लीकेशन का डॉट एपीके फाइल होगी उसकी, जिसको आप कोड देख सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो में, या किसी भी इनफैक्ट कितने भी टूल्स मैंने मेंशन किया उन सब में देख सकते हो। आपने जो इसका सोर्स कोड देखा, कुछ मॉडिफाई करके देखना है, देखो आप इसको स्टडी करो, फिर उसको जो है एम्यूलेट करो एक डिवाइस, जो एक वर्चुअल डिवाइस में आपने करके देख लिया एक एंड्रॉइड डिवाइस में, जो कि शायद आपको एंड्रॉइड डिवाइस में एंड्रॉइड स्टूडियो मिल जाएगी, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसी सेम चीजें मिल जाती हैं। फिर आप उसको रन करोगे और उसको जो है डिबग करोगे कि इसमें क्या क्या बग्स हैं, क्या क्या चीजें आप उसमें देख सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड अगर आप किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैं एक सेकेंड आपकी इसको अलाउ कर देता हूँ। या सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।